हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सचिन है और मैं सिविल डिपार्टमेंट से हूँ। मैं आपको टीच करूँगा बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, जो हमारा रहेगा डबली ब्रांच के लिए। डबली ब्रांच से मतलब होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, सेम जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच के लिए। एक्चुअली जो सिलेबस है BEMEE का और जनरल इंजीनियरिंग का, वो सेम है। सेम से बोले यानी कि सिलेबस दोनों के लिए एक ही है। इसमें मैकेनिकल का जो पार्ट है वो आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट पढ़ाएगा, एंड सिविल इंजीनियरिंग का वाला जो पार्ट है वो मैं आपको टीच करूंगा। यानी जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा डबली ब्रांच के लिए सेकेंड सेमेस्टर। एंड जनरल इंजीनियरिंग में भी दो पार्ट है, एक हमारा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट। तो मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट मैं आपको टीच करूंगा। मेरा नाम है सचिन, राइट। एंड फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर निर्माण पदार्थ, यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं? बहुत टाइप्स के कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट मटेरियल्स की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट मटेरियल हमारा होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स बोले तो ईट, आपने देखी होंगी ईट, भट्टे होते हैं। तो ये भट्टे मतलब कैसे बनते हैं, फिर भट्टों पे ईट के निर्माण कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। सेकेंड है हमारा स्टोन्स यानी कि पत्थर। थर्ड है चूना। फोर्थ है लकड़ी। तो ये सारे और भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं, ईटीसी, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो हम सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो वो सारे मटेरियल्स को हम एक्सप्लेनेशंस के साथ, फर्स्ट हम ब्रिक्स पढ़ेंगे, फिर ब्रिक्स के अंदर हम देखेंगे कि ब्रिक्स की मिट्टी कैसे बनाई जाती है, उसके अंदर जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, उन्हें कैसे बाहर निकालते हैं, फिर हम ब्रिक्स को बनाते हैं, फिर मिट्टी को हम कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं ताकि उसके अंदर जितने भी कीटाणु हैं वो, यानी कि जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं, हार्मफुल मतलब इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो हैं वो निकल जाएं। फिर स्टोन्स की बात करते हैं, आपने पत्थर देखे होंगे, पत्थर हमारे कहाँ से प्राप्त होते हैं, पहाड़ों से प्राप्त होते हैं, तो ये हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा चूना, लाइम, चूना कैसे वर्क करता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। टिम्बर, लकड़ी, आप जानते हैं जब घर का कंस्ट्रक्शन होता है, यानी जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करते समय हमें बहुत सारे विंडो हो गए, हमारे डोर हो गए, और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, हमारे फर्नीचर हो गया, वो सारा हमारा टिम्बर से बनाया जाता है। सेकेंड है हमारा, और बट हाँ एक चीज आप याद रखना, ये दोनों ब्रांचों के लिए है, डबली ब्रांच के लिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच के लिए सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चंस का पैटर्न जो होगा एग्जाम में वो आपका डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि आपका डबली ब्रांच में पूछ लिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का निर्माण कैसे होता है, वहां पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा जनरल इंजीनियरिंग में कि ईट के यूज बताइए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स की किस जो प्रोसेस है उसे समझाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं दोनों पेपर में, बट हमारा जो सिलेबस होगा उस वो एक ही है, कॉमन है दोनों के लिए। फिर हम पढ़ेंगे फाउंडेशन, ये मेन कंस्ट्रक्शन होता है। फाउंडेशन मेन कंस्ट्रक्शन होता है हमारा कंस्ट्रक्शन का। तो नींव कैसे बनाते हैं, कौन सी नींव कहाँ बनानी चाहिए, हाउस जो बनते हैं घर हमारे रहने के लिए वहां कौन सी नींव बनानी चाहिए, हमारी जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होती हैं या फिर हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनकी नींव कैसे बनानी चाहिए। तो हम इसके अंदर नींव के अंदर बहुत सारी टाइप्स पढ़ेंगे, हम टाइप्स पढ़ेंगे नींव के, कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी पढ़ेंगे, यानी कि मृदा धारण क्षमता, कि जो जो नींव बनाई जा रही है उसकी मृदा धारण क्षमता क्या है। फिर इस ये भी दोनों के लिए सेम रहेगा। फिर है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट में हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, जो हमारे पत्थर हमें मिलते हैं उससे हम कंक्रीट बनाते हैं। आप देखते होंगे आरसीसी के लिंटर वगैरह पढ़ते हैं, ब्रिक्स के होते हैं,
ठीक है, तो वो हमारी ओन रिक्वायरमेंट हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से हमें यूज करना होगा, कि हम आरसी से सिलेंडर बना रहे हैं या फिर हम ब्रिक्स का सिलेंडर बना रहे हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट पड़ेंगे, ग्रेड्स पड़ेंगे। अब ग्रेड्स क्या होता है? ग्रेड्स होता है मानक, मानक M10 होता है, ठीक है, M15 होता है, M25 होता है। तो कौन सा ग्रेड, कौन सी ग्रेड की कंक्रीट कहाँ यूज करनी है वो हम आपको डिस्कस करेंगे। फिर क्यूरिंग हो गया, क्यूरिंग भी हम आपको जब एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे तब हम आपको डिटेक्ट करेंगे। फिर है हमारा प्रेवलेंस सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? ये होता है हमारा आरसीसी। अब आरसीसी क्या है बिल्डिंग के अंदर, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा जनरल इंजीनियरिंग और बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के दोनों के लिए कॉमन है। तो ये सारी सारा जो टॉपिक्स हैं और ये सब मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेक्ट करूंगा। और ध्यान रहे ये दोनों ही ब्रांच के लिए सेम एज इट इज वीडियो आपको पढ़नी है, लेक्चर लेना है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।